Hi. So I'm happy to introduce my colleague Subhas Jha. Subhas works in Thane. Actually, he is a very important person क्योंकि थाने में अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है और ये इसके एरिया में आता है. सो सुभाष, एक बात बताओ, तुमको कितना साल हो गया फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हुए? 6 साल मुझे हो गए. 6 years फार्मा इंडस्ट्री में. बॉम्बे से ही कैरियर शुरू किए थे या? बॉम्बे से स्टार्ट किए थे. 6 साल में किस किस कंपनी में काम किए? मैंने टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में काम किया है अक्टूबर 2010 से लेके 12 नवंबर 2012 तक. फिर जर्मन रेमेडिस नवंबर 2012 से मई 2014 तक. उसके बाद 2014 में तो लगभग 3 साल आपका? 3 साल मेरा कंप्लीट हो गया. वेरी गुड. और लास्ट ईयर मई में हम लोग एक पाथ ब्रेकिंग प्रोग्राम शुरू किए और उसका नाम है स्टार अवार्ड स्टार कार्ड. तो नेचुरल है कि मेन सेंट्रल थीम आज डेलक्योर के लिए डिफरेंशिएटिंग है स्टार अवार्ड. तो आपको इस 13 महीने के पीरियड में कितना स्टार अवार्ड मिला? 12. वाह, जबरदस्त. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपकी फैमिली यहाँ रहती है या आप चूंकि बिहार के रहने वाले हैं और मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो हम लोग तो बहुत दूर आ गए घर द्वार छोड़ के नौकरी करने के लिए. तो आपकी फैमिली यहाँ रहती है या फैमिली? मेरी माँ आती है समय समय पे, समय समय. बट ज्यादातर वो गांव में रहती है. बट 2-3 स्टार कार्ड वो फेस किए यहाँ पे. तो उसके बाद मेरे भाई लेते हैं, रिसीव करते हैं. तो भाई के साथ तो चूंकि ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें स्टार अवार्ड हम लोग घर पे जाके देते हैं, तो जब आपकी माता जी ने स्टार कार्ड रिसीव किया या आपके भैया ने स्टार कार्ड रिसीव किया, तो उन लोगों का क्या एक्सप्रेशन था, उनको कैसा लगा? मेरी मम्मी बहुत खुश थी कि पहले तो कंपनी वाले लोग मेरे बेटे ही करते हैं, ठीक है. और दूसरा हमारे MD आपका सर, वहाँ पे एक लेटर में लिखा था कि आपका बेटा स्टार है. तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई कि अरे मेरा बेटा कहीं के किसी कंपनी के लिए एटलीस्ट स्टार तो है. वो मतलब कुछ अच्छा कर रहा है, इसके लिए वो कंपनी के MD ने उनको अप्रिसिएशन दिया है कि वो मेरा बेटा स्टार है. तो प्राउड फील की. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात. जानबूझ के हम तुमसे हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं और जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा और बिहारी में भी पूछ लेंगे. sure. क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ऑडियंस है जो हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी आना चाहिए, इस प्रोफेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है. पुतिन एक लाइन अंग्रेजी नहीं बोलता है. रशिया का प्रेसिडेंट है, पूरा दुनिया का पॉलिसी चलाता है, ठीक है. खाली दिमाग होना चाहिए, राइट कमिटमेंट होना चाहिए. अच्छा एक बात बताइए कि आप तो 12 स्टार मिला, पिछले महीने आपका प्रमोशन हुआ है जो एरिया मैनेजर. आप पहले भी 2 कंपनी में काम किए थे, तो क्या डेलक्योर ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो जल्दी एरिया मैनेजर बनना चाहता है और उसके लिए जो सीखना का जरूरत है, ट्रेनिंग का जरूरत है, इन्वायरमेंट का जरूरत है, चैलेंज का जरूरत है, सपोर्ट का जरूरत है, उस मामले में क्या लगता है आपको, डेलक्योर एक फेवरेबल कंपनी है एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए एरिया मैनेजर बनने के लिए? बिल्कुल. सबसे पहले तो ये बात है कि डेलक्योर का एक पेडियाट्रिशियन पोर्टफोलियो में वाइड रेंज है और हमारे एक एक ब्रांड जो है उसके पास एक यूनिक अपना ये टेक्नोलॉजी है. लाइक फास्ट एब्जॉल है, क्यूरा फास्ट है, या कोई नया एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं ये बात. तो हमें डॉक्टर के पास कम से कम टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है और डॉक्टर भी उससे इंटरेस्टेड होकर सुनता है कि अरे ये कंपनी में ये प्रोडक्ट में कुछ तो अच्छा है. ये हर प्रोडक्ट में हम कोई जनरल जैसा बात नहीं करते हैं कि सर इससे ये एंटीबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक है. हमारे पास हर प्रोडक्ट में 4 लाइन कम से कम बोलने के, नया 4 लाइन बोलने के लिए है. तो उससे हमसे डॉक्टर का डॉक्टर से रेपो बनता है. फिर वो रेपो बन के हमें वो बिजनेस में कन्वर्ट होता है और ऑफकोर्स जब बिजनेस क्रिएट होगा तो हमें स्टार कार्ड अचीव होगा, हमारा ये जो है वो बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो हमें प्रमोशन जल्दी मिल जाएगी. मेरा एक और सवाल है कि बॉम्बे में तो ज़्यादातर लोग बाहर से माइग्रेंट लोग काम करता है, ज़्यादातर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बेचारा तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, बिहार का है, यूपी का है कि नहीं? तो उनके लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है कि कोई ऐसा कंपनी, ऊपर की बड़ी कंपनी जितनी है टॉप 50 या 20, उनके बारे में तो सबको मालूम है कि भाई उन लोगों के पास जेब में बहुत पैसा है, ठीक है.
लेकिन किसी यंग फ्लॉरिशिंग हमारे जैसे कंपनी के लिए कोई नए एम्प्लॉय के मन में सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि भाई वहाँ अगर ज्वाइन करेंगे तो टाइम पर पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप तो 3 साल रहे हैं डेलकोर में, तो टाइम पर पैसा मिलने के मामले में आपको क्या लगता है, डेलकोर में आपको हमेशा समय पर पैसा मिलता रहा या पैसा मिलने में दिक्कत होता है? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी भी मतलब एक मुझे लगता है 1 घंटा भी लेट नहीं हुआ है। 31 तारीख को मेरा सैलरी हमेशा है, पूरा 3 साल के कैरियर में मेरा 1 दिन कभी भी लेट नहीं हुआ है। हमेशा तीनों मतलब एंड ऑफ द मंथ डे जो होता है उसमें मेरा सैलरी आया, वो भी कभी सुबह कभी मतलब लेकिन दोपहर के पहले ही आ गया 10 बजे लेटेस्ट 10 बजे ऐसा आ गया। चूँकि हमरा मौका नहीं भेटे मैथिली में गप करो के अहाँ के मैथिली हो गया तो दूटा सवाल अहाँ से मैथिली में पूछ ली जी। तो पिछला साल अहाँ के कितने इंसेंटिव भेटल? पिछला साल हम कम से कम 90,000 इंसेंटिव कमेलिए। वाह, तो 90,000 इंसेंटिव तो बढ़िया अमाउंट मिले जी। जखन अहाँ डेलक्योर में ज्वाइन केने रही लास्ट कंपनी रहे अहाँ के जर्मन निवेडिस, तो जर्मन निवेडिस में कितने पाई भेटते रहे अहाँ छोड़े के टाइम में? जखन हम छोड़ने रही तखन हमर पैकेज रहे 2 लाख, हमरा हाथ होबे उतरा है 20,000 रुपया। काटि कुटि कऽ बुझू जे 20,000 रुपया महीना भेटैत रहै जी। अखन तऽ अहाँके तुरंत प्रमोशन लेला जी, तो फर्स्ट एंट्री लेवल सैलरी अहाँके एरिया मैनेजर 3,60,000 भेटल है। तखन माने आर्थिक रूपसँ सेहो आदमी के प्रोग्रेस हुआ के संभावना छै डेलकोर में जी। हमरा तो 3 सालमे सीधा डबल भऽ गेलै। अच्छा एकटा चीज बताओ कि डेलकोर के पॉलिसी जे परफॉर्मर छै जकरा जकर रिजल्ट बढ़िया छै तकरा बेसी फेवर करै छै? बिल्कुल करै छै, बिल्कुल करै छै। ओकर डेलकोर के जे पहले स्टार कार्ड पहले इंसेंटिव स्ट्रक्चर जे छै ओ हमरा लगे फार्मा इंडस्ट्री में केकरो नै छै। 8% इंसेंटिव लास्ट ईयर, 5% इंसेंटिव और 5% से इंक्रीज इस साल 8% इंसेंटिव कोई कंपनी वाला देखा दिया जे हमरा आई के रेट में 0.5% 1% इंसेंटिव छै फार्मा इंडस्ट्री में। लेकिन डेलकोर फर्स्ट कंपनी छै जे 8% इंसेंटिव एम्प्लॉय के प्रोवाइड कर रहल छै। और ओकर सबसे पहले का फ्यूचर जो कर मतलब स्टार कार्ड एक नया इनोवेटिव आइडिया से डेलक्योर के वो तो मतलब ओकर पूरा फ्यूचर सिक्योर कर दे छै तरह से। रिटायरमेंट के बाद लोग के ओते पैसा नहीं करते जते को स्टार कार्ड लगाओ पूरा अंत तक 5 साल में वो कमा सके छै। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर अहां के कोनो एहन आदमी भेट जाए जेना अपने बम्बई में चाहे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 2-3-4-5 आदमी एहन होय जकर रिजल्ट बढ़िया छलै, बढ़िया संभावना छलै डेलक्योर में, लेकिन वो आदमी ककरो इन्फ्लुएंस में चाहे तुरंत बेसी पाई भेट जाए तै लोभ में चाहे कखनो कखनो ककरो पाछू लीडर के फॉलो करो के नाम पर पाछू चल गेल। लीडर केहन से नहीं देखे छे, फॉलोअर तो भिंडरा वाले के सेहो छलै है कि फॉलोअर जे छे से तो जे पाकिस्तानी आतंकवादी छे तकरो छे, तकर माने थोड़े हो गेलै जो लीडर हो गए लेकिन आदमी ओकरा पाछू चल जाए छे। तो ओहन अगर कोनो भटकल प्राणी अहाँ के भेट जाए डेलक्योर के एक्स डेलक्योर और ओ अगर जो अहाँ से पूछे कि क्या वापस आ जाऊँ तो अहाँ की कहबे ओकरा? ओकरा कभी डेफिनेटली आ जाओ, ओकरा कभी हम डेफिनेटली आ जाओ कि तोरा फर्स्ट तोरा तो गुड कल्चर बढ़िया कल्चर तोरा प्रोवाइड भ रहल छ जे तोरा मतलब एक तोरा मतलब हार्ड वर्क के एमडी डायरेक्ट रिकॉग्नाइज कर रहल छ कि बंदा हार्ड वर्क कर रहल छ डायरेक्ट तोर मतलब जो मैसेज है वो एमडी तक जा रहल छ ठीक छ। सेकंड इंसेंटिव स्ट्रक्चर तोरा कोनो कंपनी में भेटतो वन तो बता। थर्ड थिंग तोरा कंपनी ठीक छ तोरा 4 लाख के पैकेज देतो, 5 लाख के पैकेज देतो, 10 लाख के पैकेज देतो क्या महीना दो भाई बेसी भेटना ही बात ठीक बात छ। गेटिंग मोर मनी इज गुड बट गेटिंग फॉर ए longer period of time is also equally important. So sometimes it is long salary hold पर कभी salary hold पे तो कभी ये अपना expense hold पे My next question to you is हमारे company का generally किसी भी company में जाइएगा तो value statement एक paragraph का लिखा रहता है ठीक है, इतना बड़ा paragraph लिखा रहेगा this is the value of the company, हाफ ए पैराग्राफ ऑफ राइट अप फॉर कल्चर ऑफ द कंपनी। बट इन डेलक्योर वी ऑपरेट इन अ वेरी सिंपल 3-word प्रिंसिपल, हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ द कंपनी, हेल्पफुलनेस इज द कल्चर ऑफ द कंपनी एंड ट्रूथफुलनेस इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी। एज इन 3 years
living person inside the company, have you seen these three words being respected by our employees, our company, our policies, our behavior? What is your view about these three? मैं इसी तीनों के हमारे पर मतलब एग्जांपल हम दे सके चीज बहुत मतलब बढ़िया मतलब भी हम कस्टमर या जो मतलब पेशेंट थे पहले पेशेंट के हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे प्रोवाइड करे छे सबसे पहले ओकर हेल्थ के हम चिंता करे छे सबसे पहले उसका हेल्थ का हम ये देखते हैं और उसके बाद कभी मतलब हमें जहाँ पे हम घूमते हैं तो डॉक्टर्स को कभी रहता है कि मेरा क्लिनिक का एनिवर्सरी है आप हमारे लिए मीन्स क्या कर किस रूप में हेल्प कर सकते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो हम उसके यहाँ कुछ कैंप रख देते हैं तो वो चीज़ उनको अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे लिए भी ट्रूथफुलनेस का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है कि हमें स्टार कार्ड का तरह इनकैशमेंट मिल गया ये महीने तो हमें जो बोला एरिया मैनेजर हुए 1.25 टाइम्स ऑफ योर स्टार वैल्यू तुरंत इमीडिएट सेकंड मतलब फर्स्ट मंथ में ही मिल गया बहुत अच्छा लगा वेरी गुड। तो अब लास्ट सवाल मेरा ये है कि अगर 0 to 10 के स्केल पर आपको अपने कंपनी को स्कोर करना है कि ठीक है डेल क्योर अगर एकदम इंटरेस्टेड नहीं है जिसका सवाल नहीं है क्योंकि यू आर आपका एनर्जी ही बता रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी विद योर कंपनी और एकदम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है तब 10 तो 0 से 10 के बीच में आप अपनी कंपनी का जो एक्सपीरियंस है एज एन एम्प्लॉय 3 साल का उसको कहाँ रखना चाहेंगे कितना स्कोर देंगे आप? जनरली मैं तो 10 से भी ज्यादा दूंगा लेकिन अभी मैं 9 इसलिए दे रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ राइट पीपल मुझे कंसर्न कि बड़े बड़े सपने दिखाने वाले आ जाते हैं और फिर हम लोगों को ही छोड़ के चले जाते हैं। करेक्ट, तो एट सर्टेन लीडरशिप लेवल यू आर राइट। और मेरा आखिरी सवाल कि आप अगर कुछ राय विचार देना चाहते हैं कंपनी को भविष्य के लिए तो बताइए। सेम इंसेंटिव स्ट्रक्चर शुड बी कंटिन्यू। वेरी गुड, एक्सलेंट सुभाष, वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट you have progressed in 3 years from a representative to area manager and holding the headquarter district of the company, right? Thank you. Wish you all the best. Thank you.